मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज पर रामनवमी पर स्पेशल प्रोग्राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामनवमी पर कुछ स्पेशल कार्यक्रम। जगत के पालनहार भगवान विष्णु के सातवें अवतार प्रभु श्री राम है और धार्मिक मान्यता है कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्यौहार के आने का राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार रामनवमी आज यानी 17 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जा रही है और इस खास अवसर पर प्रभु श्री राम की विशेष पूजा अर्चना का विधान भी है। साथ ही इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं रामनवमी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में। क्यों मनाते हैं रामनवमी? हर साल रामनवमी के त्यौहार को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर मंदिरों में प्रभु की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया और प्रभु राम राजा दशरथ रानी कौशल्या के घर पर अवतरित हुए, इसलिए देश भर में अधिक उत्साह के साथ रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी पर क्या करें? रामनवमी पर भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए, विशेष चीज़ों का दान भी करना चाहिए और प्रभु को पीले फूल अर्पित करें। पूजा के दौरान राम चालीसा का पाठ करें, पूजा के अंत में आरती अवश्य करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। राम के वंशज कौन थे? ऐसा माना जाता है कि आज के समय में मौर्य सिसोदिया कुशवाहा शाक्य बेचला जो राजपूत वंशज है, यह सभी भगवान राम के वंशज। आज के स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए स्पेशल कार्यक्रम के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ।